पहले पेपर कैसा हुआ मैम? कैसा पेपर हुआ? मेरा पेपर गाइड को पता है बहुत ही खराब हुआ है। कैसा हुआ? अच्छा हुआ पेपर, बहुत बढ़िया है। तो अभी बॉयज की बस में आया। कैसा हुआ? गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो अभी मैं रेडी हो चुका हूँ, यूनिफॉर्म लगा दिया है। तो टाइम हो रहा है 7:30, 8 बजे निकलेगी बस हमारी कॉलेज बस। तो पहले चलते हैं ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, फिर मिलते हैं आपको। सो गाइज अभी हमने ब्रेकफास्ट तो कर लिया, चलते हैं आप वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो डी ग्रुप इज ऑन दी वे। सो हेलो एंड वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल, दिस इज यूरी भाई। तो कैसे हैं आप लोग? तो गाइज आज है हमारा आखिरी एग्जाम, लास्ट एग्जाम। तो फर्स्ट दूसरा तो हमारा लास्ट एग्जाम है। अभी हॉस्टल से तो निकल चुके हैं, चलते हैं अभी हम मेन गेट पे, वहाँ पे बसेस खड़ी हैं, तो चलते हैं वहाँ बैठेंगे। आप भी आ जाओ। मौसम आज देख सकते हैं, ठंडा ठंडा मौसम हो रहा है। सामने बसेस खड़ी है और ये हमारे साथ वाली है लड़कियों की बस और ये बॉयज की बस है, और यहाँ हम चलते हैं अभी। तो अभी हम बस में बैठ चुके हैं और गुड मॉर्निंग अंकल। गुड मॉर्निंग। तो अभी हम पहुंच चुके हैं इधर फरीदकोट में, जहां हमारा एग्जाम होने वाला है। बस से उतर चुके हैं। तो ये हमारी अमन मैम है, ये हमारे चार गैंग के बंदे। इस कॉलेज में हमारा होने वाला एग्जाम और यहां सब देख सकते हैं। ये भाई साहब हैं, इनको फुल तैयार है, पूरा एग्जाम तैयार है। अबे यार एक तो मेरे पेन लीक पता नहीं कैसे हो जाते हैं। मैच जल है Are you excited for the exam? No. Oh no. So अभी हम जा रहे हैं मैम को फोन देने के लिए, चलते हैं। और सो गाइज अभी हमारा पेपर हो चुका है और बहुत ही अच्छे वाला हुआ है। ये सभी बच्चे इंजॉय करते हुए देख सकते हैं कितना अच्छा पेपर हुआ इनका। इनकी शक्लें देखो, कैसा पेपर हुआ होगा देख सकते हैं आप। सो गाइज अभी हमने एग्जाम दे लिया, अब हम चलते हैं बस की ओर। और जो बच्चों का पेपर हुआ वो बहुत ही खराब हुआ, मतलब बच्चों में मैं भी आता हूँ। पास है तो गोली का रिएक्शन देख सकते हैं, सब में पास है गोली अरे बसेस। और यहाँ है हमारे दो जवाक बैठे हुए। कैसा हुआ पेपर है अभी? कैसा हुआ पेपर? बहुत बढ़िया है। नहीं मारे अच्छा हुआ। कैसा हुआ शायद भाई पेपर? कैसा मेरा पेपर आज का? अच्छा हुआ, लेकिन एनाटॉमी वगैरह का वो अच्छा खास नहीं हुआ। अब देखते हैं रिजल्ट में, खुदा से दुआ करते हैं पास। कैसा हुआ पेपर? सो गाइस ये रो रही है लड़की, देख सकते हैं इतना खराब पेपर हुआ इसका। सो गाइस मसला ये है कि मैं जिस बस में आके बैठा वहाँ तो लड़कियां ही लड़कियां आ गई, ये देख सकते हैं। इधर तो कोई लड़का भी एक भी नहीं है। ओ, वो लड़कों की बस उधर है, तो उधर चलेंगे फिलहाल जब तक ड्राइवर और आते। कैसा पेपर हुआ? बहुत बुरा है। खत्म हो गया तो ब्लॉग। कैसा पेपर हुआ? बिल्कुल पता नहीं कैसा हुआ। चलो क्या बस में चलो, मेरी भी क्लिप ऐड कर लो, मुझे भी 3500 शायद देना। मुझे भी 3500 देना। 3500 चाहिए? हां सब लीग का 3500 देना। चलो सर शायद अपनी जा सकते हो। कहां अपनी बस? तुम कहां बैठोगे? हम ये बस में बैठो, मैं ड्राइवर के पास बैठूंगा। कैसा हुआ? अच्छा हुआ। पेपर कैसा हुआ? नहीं हुआ बकवास। कैसा हुआ साहिबा पेपर? पल्लवी पल्लवी पेपर कैसा हुआ? अच्छा मैम कैसा पेपर हुआ? अच्छा आपका है नहीं। सो यहाँ पल्लवी और साहिबा देख सकते हैं, इधर गाड़ी चलाने वाली है। इधर आ जाओ ना ड्राइवर सीट में। सो फिलहाल यहाँ बहुत गर्मी हो रही है, अब ड्राइवर साहब आए तो गाड़ी स्टार्ट करें।
मेरा पेपर गाइस को पता है बहुत ही खराब हुआ है, जैसा नाजिम का बोलता हूँ। सो गाइस, इन लड़कियों ने मुझे बाहर निकाल दिया, अब चलते हैं हम बॉयज की बस पे। और वो बस निकल चुकी है, बच गई बच गई बच गई। रुको रुको, चलो चलो। सो फाइनली अभी हम बस में बैठ चुके हैं, संजय भाई के साथ में देख चुके हैं, अभिषेक भाई भी हमारे साथ हैं, और इधर हमारे अनुराग सर बैठे हुए हैं, और ये बॉयज। और चलते हैं यहाँ यूनिवर्सिटी से निकलते हैं और चलते हैं अपने कॉलेज की ओर। सो अभी बॉयज की बस में आओ, और देख सकते हैं यहाँ पे बड़ा शोर। गोली पेपर कैसा हुआ? हुसैन पेपर कैसा हुआ? बहुत बुरा। बुरा हो क्यों? रमन पेपर कैसा हुआ? पेपर कैसा हुआ? कैसा हुआ? कैसा पेपर हुआ? कैसा हुआ? मैं अपने पेपर के अकॉर्डिंग बनाऊ तो एकदम फाड़ू। गाइज अभी कॉलेज पहुंच चुके हैं और देख सकते हैं रूम में आया हूँ, यहाँ बोल रहा हूँ तो बाहर बहुत शोर है, सभी बच्चे उधर स्टूडेंट्स बाहर हैं। गाइज एक बात बोलनी थी, जिन बच्चों ने बी फार्मेसी में एडमिशन लेनी है तो वो इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दें, क्योंकि अभी कुछ सीट अवेलेबल नहीं है। सो गाइज अभी हम अंदर आ चुके हैं तो यूनिफॉर्म वगैरह उतार देते हैं, और ये था हमारा आज का एग्ज़ाम का व्लॉग के हमारे एग्ज़ाम ख़त्म हो गए हैं। अब से डेली तो नहीं कह सकते, लेकिन बीच बीच में मतलब रेगुलर व्लॉग्स आएंगे।